close till I get up. Time is barely on our side. अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारी की प्रोजेक्ट सीरीज के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुश आमदीद। और जनाब आप लोग देख सकते हैं जी, हमारी सिविक सामने खड़ी है। आज हमने कराने हैं कुछ इस गाड़ी के काम, क्योंकि मुझे एक काम से लाहौर की तरफ निकलना पड़ रहा है। तो अब उसके कामों में सबसे पहले तो इसके जो ये वाला टायर है ना, अगला राइट साइड के जो इस रिम के ये जो दो स्टड है ना, बिल्कुल फारिग हैं। ये एक दफ़ा नट बिल्कुल लूज़ हो चुके थे, ये स्टड चेंज कराने हैं, बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। उसके अलावा ये रिम टायर्स उतार के हमने ये वाले लगाने हैं, क्योंकि लंबे सफ़र पे जाना है तो ये सही नहीं रहते, ये कराना है। उसके बाद हमने करवाना है इसका जो अलाइनमेंट वाला काम, वो करवाना है। उसके बाद ये जो साइलेंसर पड़ा स्टॉक, ये लगाना है गाड़ी में। अभी ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो स्टॉक साइलेंसर लगाना है, क्योंकि लंबे सफ़र पे तो ये जलील कर देगा एग्जॉस्ट जो है। तो ये छोटे मोटे काम है, तो इनके लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा पिंडी की तरफ। और पिंडी जाके कमाल अंकल से हमने पहले इसके स्टड चेंज कराने हैं। उसके अलावा इसका स्टेयरिंग का थोड़ा सा इशू है, एक साइड पे नरम होता है, एक साइड पे हार्ड होता है, वो चेक करवाना है। उसके अलावा गाड़ी सुबह सुबह थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए तंग करती है। तो ये कुछ चीज़ें छोटे छोटे मसले हैं, वो इसके हल करवाने हैं। और फिर हमने इंशाल्लाह कल इसका लाहौर का ट्रिप लगाना है इस गाड़ी पर। तो ये तो हो कि सिर्फ की बात। और काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे से कह रहे थे कि भाई आपकी पोटोहार कहाँ पर गई, पोटोहार की वीडियोज़ नहीं आ रही। तो ये रही जी पोटोहार। अब पोटोहार का सीन ये है कि इसको अभी फ़िलहाल खड़ा किया हुआ है, क्योंकि बजट का इशू है थोड़ा सा। जब पैसे आएंगे तब इसके ऊपर लगाएंगे। अभी मैंने इसको फ़िलहाल शॉपर में पूरा पैक किया हुआ, नीचे से शॉपर ऊपर से कवर है। तो जब पैसे आएंगे इंशाल्लाह इसकी वीडियोस आगे की आएंगे। बाहर से गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसका सिर्फ काम है इंटीरियर का। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी जल्द आएंगी। तो अभी जाते हैं सिविक का काम कराते हैं, और फिर आपको वहाँ पहुँच के आगे का सीन दिखाता हूँ। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ मिठू खान के आते में, और अभी पहुँचते हैं सीधा कमाल अंकल की दुकान पर, और वहाँ जा के जो जिससे काम करवाने हैं वो करवाते हैं। अच्छा, गाड़ी जो इस टाइम मैंने लोकेशन पर लगा ली है, बाकी अब कमाल अंकल को बता दिया जो जो काम है गाड़ी के। अभी थोड़ी देर में से काम शुरू होने लगा है। ये देखें पीछे से थोड़ी सी बची हुई है, एग्जॉस्ट लगने वाला था। तो बस जैसे कमाल अंकल फ्री हो गया थे तो उससे काम शुरू करते हैं। गाड़ी का इस टाइम रिम खोला है और वो डिस्क उतारी है। तो स्टड्स की हालत देखी है, तो बीच में एक क्रैक है और तीन फारिग हैं बिल्कुल। कहते हैं सारे चेंज होंगे, सब फारिग हैं। तो ये चारों जो हैं स्टड चेंज होंगे। देखिए ये ख़राब हुआ हुआ है, ये यहाँ से ख़राब हुआ है, चूड़ी उतरी हुई यहाँ से। तो लंबे सफ़र पे जाना था, ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक थी। शुक्र है खुलवा ली और बेहतर हो गया काम। तो अभी नए स्टड ले के फिर वो प्रेस करवा के यहाँ से करा दिया, इसको प्रेस करेगा पीछे से और ये इसमें फ़िट हो जाएंगे। तो ये फ़िट करवाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जो हब है इस टाइम हमने खोल लिया, अभी उसके स्टड लेने जा रहे हैं। तो बाकी इसकी वो कॉइल्स वगैरह भी देखनी है, एक इंजन आया हुआ है वो भी देखते हैं, फिर आपको सीन दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा अगर ये वाला इंजन है, ये कौन सा है, D15? ये D15 जी 2005 मॉडल। अच्छा अंडा। अच्छा और ये मेरा वाला D17 डाला हुआ है ना, वो तो इसकी एवरेज उससे अच्छी होती है, उससे अच्छी होगा। ये देखो सेट देखो इंजन दे। इंजन तो माशाल्लाह साफ जीरो मीटर है। मैं इसके बता रहा था अगर इसका कॉइल चाहिए ना जी और प्लग दोनों जी, तो फिर इससे सेट कॉल देंगे आपको। कॉल भी दिखाता हूँ, एक लाख पुराने संधि, 1,90,000 पूरा आम रेट जो है चल रहा है, 1,65,000 60,000 पुरानी असेंबली। लेकिन जिस तरह नई असेंबली हो नहीं, इसमें कंप्यूटर क्या क्या है इसमें, वेरिंग अच्छा सॉरी असेंबली कोयल और प्लग बस। थोड़ा महंगा हो गया। पूरा कितने का अंकल, मैनुअल गियर के साथ कितने का है? पूरा तो 3,00,000। 3,00,000 से ऊपर वो है। ऑटो गियर कितने का है? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का। हम 1,00,000-1,05,000 के खुद खरीदते हैं स्टार्ट में। अच्छा और पुराना गियर साथ देते हैं जी, तो 1,00,000-1,05,000 इस तरह। और मैनुअल का क्या रेट चल रहा है? मैनुअल का 60,000 55-60। नए मॉडल के बिल्कुल, इसका मुंह देख रहे बिल्कुल अभी तक काला सुर्ख हुई नहीं। और इसका डिजाइन मुख्तलिफ है थोड़ा सा। अच्छा उससे ना
वो उसको एलओ से ना जी जी ये नया मॉडल मतलब मॉडल वही होगा लेकिन उसको कोटा चेंज हुआ है ना। सही। और यह कितने का अंकल सेट अगर लेना हो तो? कोयल सेट, सिर्फ कोयल सेट को जो है ना कम से कम पुराना सेट और 12,000 रुपए और प्लग लेना है तो पुराना प्लग पूरा सेट 8,000 रुपए का। नट देखो मतलब कोयल और ना स्टड कोयल और प्लग दोनों जो है ना 20,000 रुपए पूरा सेट। 20,000 रुपए अच्छा 1,90,000 रुपए की असेंबली भी है उससे तो ये निकलेगा तुम और फिर जो है और आम कोयल जो लेने वो उधर पड़ा हुआ है तुम्हें वो इंजन वो दिखाता हूँ आज इसमें एक दाना इसी लगा जिस तरह वो पड़ा हुआ है कि ये आम कोयल है ये कोयल का सेट 8,000 रुपए का है अच्छा और प्लग जो है ना 6,000 रुपए 14,000 रुपए का दो। ये कौन सी कोयल लगी है? ये एक उसके साथ मॉडल नया आया है कोयल ना अच्छा बाकी किसने चेंज किया रास्ते में नहीं जानते क्या किया है ना और ये 14 का है बहरहाल ये कौन सा इंजन अंकल ये हो रही है तुम्हारा वाला ना अच्छा अच्छा वही है ये वही है ये स्पोर्ट्स वाला वो सिस्टम है ना ओरियल रिबोन की तरह कोयल है ये मॉडल जरा अच्छा बस हमें तो वो देना जो एवरेज बनाए पेट्रोल बहुत महंगा है तो अगर वो उसकी चेक करें ना अंकल उसका क्या है हिसाब तो आपने एक दफ़ा पहले भी चेक की थी तब तो ठीक थी क्या कंडीशन अंकल ठीक है यार सही है जबरदस्त ट्यूनिंग की जरूरत तो नहीं है नहीं नहीं बस ट्यूनिंग यही है चेक कर दिया अगर कमजोर तो और लगा देंगे बिल्कुल ठीक है। गाड़ी के सेम जो स्टड हैं वो नए लग चुके हैं ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरे ये काबली उठ ले के लगाए हैं देसी का ये होता है कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं जो काबली होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है तो अभी वो फिट हो चुके हैं अभी टायर लगाएंगे नई कॉल आ गई अंकल अंदर वाला अच्छा एक कोयल किसने बाहर लगाया था फिर वो बाहर से बोल दिया कि ये सब बाहर वाला अंदर वाले को तब्दील ठीक किया तो जिस वक्त हम धो रहे हैं ना जी हो सकते कोयल नहीं होंगे इसलिए ये बालू पाला के पीछे हो जाते हैं एक सेट करके देख इसे इंशाल्लाह ओरिज काफ़ी बेहतर होगा गाड़ी के इस टाइम मैंने वो काम करवा लिए जो स्टार्ट वाला मसला था रिम टायर चेंज और फिर ये कॉल वगैरह सारा कुछ डाल के ये बिल बना है इसके अलावा रिम आप देख सकते हैं चेंज हो गए अभी वो दूसरे अलार्म उठा के गाड़ी में रखने हैं और फिर इसकी अलाइनमेंट करानी है अलाइनमेंट कराने के बाद ऑयल चेंज कराना है और फिर घर जाना है तो आगे जो जो काम होते रहेंगे आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। A few minutes later जैसे मैं पहुँचूँगा अलाइनमेंट वाली दुकान पर और गाड़ी की अलाइनमेंट का काम जो है शुरू हो चुका है तो जैसे ये मुकम्मल होती है फिर आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। मैं अलाइनमेंट करवा के जा रहा हूँ वापस घर की तरफ और उससे पहले हमने जाके इसका ऑयल चेंज करवाना है तो वहाँ पहुँचता हूँ वहाँ पहुँच के फिर आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। Many minutes later का काम करा के मैं भी आ गया था तरनोल और तरनोल यहाँ से आके मैंने जी अपना गाड़ी के लिए ऑयल लिया मैं ये वाला ऑयल डालता हूँ दुबई गल्फ 2050 का बड़ा बेहतरीन ऑयल है तो जाते हैं अभी गाड़ी में उधर दुकान पर खड़ी कर रहा हूँ जहाँ पर चेंज होता है उनको जाके कहन देते हैं ऑयल को और ऑयल चेंज करा के फिर सीधा घर की तरफ। ये हमारे बाकी वाले भाई हैं भाईजन क्या हाल है तो बाइकी वाले भाई आपका बाइक स्टार्ट ही हो रहा है जी हम लोग पहुंच चुके अपनी गाड़ी के पास भाईजन बहुत बहुत शुक्रिया कितना किराया हो गया आप अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी सवारी पे है इस्लाम बहुत नंबर बाइक आओ ये नहीं जी ऑयल आ गया कितना डलता है इसमें
चार पूरा आता है। जी भाई, वाले भाई आप जान नहीं छोड़े, एक तो मुफ्त में लेके आप पीछे पीछे आगे कर सकते हो। सर आपकी गाड़ी वो है, आप इधर किधर आ रहे हैं भाई? ड्राइवर है तू तो ड्राइवर रहे। सॉरी, मैं सर अपनी औकात भूल गया था, आपने याद करा दी है। कल आपको लाहौर लेके जा रहे लगेगी, ईट रख के ना फिर चढ़ानी पड़ेगी। ये जी ट्रोले, गाड़ी नहीं ऊपर चढ़ सकती। उदी भाई कितने रोले हैं यार जिंदगी में ये तक? बस जिंदगी का नाम ही रोले हैं। परेशान है कि क्या किया जाए। कौन परेशान है? हम और कल आपका खर्चा होने लगा है। भाईजान अभी ताज़ा ताज़ा पेट्रोल डलवाया तो 8400 रुपये का पेट्रोल डला, टैंकी फुल हो गई है और 31 कुछ लीटर डला, यानी कि बाकी मेरा पड़ा होता गाड़ी में। ओके इधर ओके भजन, मैं आप तस्वीर बना के हूँ, आपको भी दिखाऊंगा, आपसे मैंने पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? खैर तो है गाड़ी दे, मैं ड्राइवर हूँ ना आपका। वो बिल दे तो बिल पे पैसे मिल जाएंगे। कड़ा बिल जो जो काम करवा रहे। सर मैं आपको लाहौर ही लेके जा रहा हूँ, आप अपनी बाइकिया पे जाए। अल्लाह हाफिज। सोच लो। नहीं नहीं लेके जा रहा हूँ यार, अब तो डलवा लिए, इतने खर्चे करवा दिए, 14,000 मकैनिक की तरफ खर्चा हुआ है, फिर उसके बाद लाहौर नहीं जाना। 800 रुपया लाइन बेट का लगा। गाड़ी को ऑयल चेंज कराने के बाद अभी हम आए हैं एक्सीवेटर मशीन की सर्विस करने। असल में सलमान भाई का बिजनेस है इस सर्विस करने का, ठीक है सलमान भाई? तो आप ऑर्डर में आए सर्विस कर रहे, बुकिंग थी आज। ये मशीन वाले भाई थे, उन्होंने बुलाया सलमान भाई को कि मशीन हमारी आके सर्विस कर जाए। तो ये देखे जी, हम अपना सिस्टम लेके आए हैं कोरे पे, वो खड़ी है जी वेटर से। अब मैं तो शिफ्ट हो गया वेटर से भाई सर्विस पे आ गए। तो अभी हमने इसको साफ कर रहे हैं, ये जितना आपको ऑयल वगैरह मिल रहा है वो खींचना सककर और वो आप करें ना, आपका काम है। मैं तो वीडियो बनाने आया हूं। चल तो जात है, मुझे पकड़ा वीडियो में बना रहा हूं। बना वीडियो बना। हो गया डक। टेस्ट कैसा था? और ढक्कन थोड़ा सा लूज करें ना पहले। वो हाइड्रोलिक की वो आ रही है। ढक्कन लूज करके उसमें हवा तो जाने दे, फिर शक होगा ना। बा, 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 आगे से हाथ रखें। कितने पैसे बचाए जा रहे हैं? 3500। वाला
दिखा रहा हूँ।